नमस्कार दोस्तों, उमास किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिली गार्लिक पोटैटो नगेट्स, जो बहुत ही आसानी से हम लोग घर में बनाएंगे और इसको स्टोर करके काफ़ी दिनों के तक हम लोग रख भी सकते हैं और खाने में भी बहुत मज़ेदार होता है, ज़्यादा चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं पोटैटो नगेट्स बनाना। अगर मेरी ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे तो कॉमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इससे मेरी नई नई रेसिपी आप लोगों को मिल जाएंगे और शेयर कीजिए प्लीज़। चिली गार्लिक पोटैटो नगेट्स बनाने के लिए यहाँ पे मैं चार आलू लिया है, मैं इनको मैश कर लूँगी। गरम है अभी, इसी तरह से मैश करने के बाद इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा कुटी हुई लहसुन, चिली फ्लेक्स, दो चम्मच कॉर्नफ्लोर और दो चम्मच ब्रेड क्रम्स। ये मेरा होममेड ब्रेड क्रम्स है, मैं ब्राउन ब्रेड यूज़ कर रही हूँ, आप लोग वाइट ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक पेपर, टेस्ट अनुसार सॉल्ट डालना, और एक चीज़ मैं डालूँगी, वो है ऑरिगेनो, ये ऑप्शनल है, आप मेरे पास है, मैंने इसलिए डाल दिया, आप लोग हो तो डाल देना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। लहसुन का स्वाद इसमें बहुत ही अच्छा आएगा, इसलिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, डालना ही पड़ेगा। तो चलिए मैं हाथ की यूज़ कर रही हूँ, अभी इन सबको एक साथ बहुत अच्छी तरह से हम मिलाएंगे। नमक आप देख लेना स्वाद अनुसार, आपके जितना आलू है उसी क्वांटिटी में आप लोग नमक डालना। अभी इसको अच्छी तरह से हमें मिलाना है, जैसे आलू की गुठली बिल्कुल ना रह जाए। अगर आप लोगों को लगे कि इसमें ब्रेड क्रम्स और डालना है, इसकी कोई नाप नहीं है, आप लोग जैसा ज़रूरत हो उतना ही डालना, क्योंकि हमें आलू को अच्छी तरह से ड्राई ड्राई टाइप के करना है, इसलिए हमें जितना ज़रूरत होगा हम लोग उतना ही डालेंगे। देखिए आलू का मैं एक डो जैसा बना लिया है, ये अभी भी थोड़ा ये है, आप लोग इसको 15-20 मिनट के लिए ढक्कन लगा के छोड़ देंगे, ये पूरा सेट हो जाएगा, तब हम लोग इसका नगेट्स बनाएंगे। मैं यहाँ पे हाफ चम्मच कॉर्नफ्लावर को थोड़ा सा पानी में घोल के एक घोल बना लिया है। देखिए इसको ये पूरा सेट हो गया है, अभी हम क्या करेंगे, इसमें से ऐसे लेके, अगर हाथ में चिपक जाए तो थोड़ा सा ऐसे कॉर्नफ्लावर लगा के इसको हम लोग ऐसे रोल बना लेंगे। आप लोग छोटा छोटा करके, मैं आसानी से दिखा रही हूँ, नहीं तो हाथ में एक एक तोड़ तोड़ के करने से वो तो बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए मैं एक रोल जैसा बना के वो दिखा रही हूँ। फिर इसके ऐसे छोटे छोटे हम लोग, आपको जैसा साइज पसंद हो ऐसा छोटे छोटे काट लेंगे, ऐसा पूरा काट लेंगे। फिर इसको हाथ में अच्छा सा नगेट्स के जैसा साइज देके इसको हम कॉर्नफ्लावर में ऐसे घोल के, फिर ब्रेड क्रम्स में थोड़ा सा इसको सेट कर लेंगे। हाथ से थोड़ा सेट करके इसको करना, नहीं तो ब्रेड क्रम्स निकल जाएगा, ऐसे करके इस तरह से हम सारे नगेट्स को बना लेंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है, हम लोग बना के इसको काफ़ी दिन तक स्टोर करके डीप फ्रिज में रख सकते हैं। हम लोग तो बाहर से इसको मॉल से ख़रीद के लाते ही है, और कितना महंगा भी पड़ता है, इससे हम लोग इसको घर में आसानी से बना सकते हैं। काफ़ी सारा बना के ऐसे स्टोर करके रख देंगे, बच्चे को जब भी मन होगा हम लोग ऐसे बना के फ्राई करके दे सकते हैं। इसीलिए मैं काफ़ी सारा बना रही हूँ, क्योंकि मैं एयर टाइट कंटेनर में भर के इसको काफ़ी दिन के लिए स्टोर करने वाली हूँ।
देखिए मैं काफ़ी सारा बना लिया है। अभी मैं एक ऐसा कंटेनर ले लूँगी, जितना मुझे अभी फ्राई करना है उतना मैं अभी इसको तो मैं 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में अभी सेट होने के लिए रखूँगी, और बाकी जो जिसको मैं मेरे को अभी फ्राई नहीं करना है उसको मैं अभी एयरटाइट कंटेनर में ऐसे रख के इसको डीप फ्रिज में रख दूँगी। तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, देखिए मैं एक एक करके इसमें नगेट छोड़ रही हूँ। तेल अच्छी तरह से जब गर्म हो जाए तभी आप लोग इसको छोड़ना, नहीं तो जो ब्रेड क्रम्स इसमें कोटेड है ना वो निकल जाएगा, इसीलिए तेल अच्छी तरह से गर्म होने के बाद ही इसको छोड़ना। खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है, क्रिस्पी क्रंची होता है बाहर से, अंदर से जूसी जूसी होता है। इसको अब मैं कहूँगी एक बार ज़रूर घर में बनाइए, बच्चे को बहुत पसंद है। एक साइड से गोल्डन हो चुका है, हम लोग इसको अपोजिट साइड में इसे पलट देंगे। इसको तेल में डालने के बाद गैस को थोड़ा धीमे कर देना, नहीं तो ये जल जाएगा। इसको तैयार फ्राई होने में 2 मिनट ही समय लगता है, ज़्यादा नहीं। देखिए ये पूरी तरह से गोल्डन हो चुका है, फ्राई हो चुका है, इसको हम लोग अभी उतार लेंगे।